खुद ही आ रहा है, उसे यही खत्म कर दो। ये क्या बे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सारे भगवानों को गले में लटका रखा है? सारे भगवानों को पूजना चाहिए, क्या पता मुसीबत में कौन बचा ले, मिनिमम गारंटी तो होगी। अच्छा है, 17 साल की उम्र में जान की भीख मांगने वाला देखो कैसी बातें कर रहा है। चल तुझसे एक जरूरी बात करनी है, ये जो अब तक हर हफ्ते पैसे देता आया ना, वो बहुत हुआ, अब उसके बदले जो कुछ भी है सब बेच कर तू किसी और शहर में चला जा, ठीक है? मैं खुद अगले हफ्ते आपसे यही कहने वाला था, आखिर कब तक हर हफ्ते अपनी जान बख्शने की भीख मांगता रहूंगा मैं, इसलिए आपसे पैसे देना बंद। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना उसका फैसला तो खुद नहीं करेगा, जो हम कहे तुझे सिर्फ वही करना है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। चल 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 बस कर, तो क्या कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ, अपने गुनाह के बदले उन बच्चों को सरेंडर करवाना, उनके हाथों मर्डर करवाना हमें सब पता है। मेरे सामने टेढ़ी बातें मत कर, यहाँ से भाग जा कह रहा हूँ, वरना हमारे हाथों तेरी कब्र खोदेगी। चारों तरफ देख तो, ये मेरा अड्डा है, अगर मैं चाहूँ तो बस तेरा ट्रक ही वापस जाएगा, तू नहीं जा पाएगा। आपको पैसों के बदले और वफादारी से काम करने के बीच का फर्क पता है ना? ओहो, चाहो तो एक सैंपल दिखाऊं। भाइयों जरूरी काम है, यहाँ आओ। इन तीनों कमीनों को यहीं मारकर गाड़ने का इनाम है ये 20 लाख रुपए। ओए, यहाँ आकर किसके सामने बोल रहा है? पैसों के लिए हम भाई को मार देंगे ये सोच रहा है? हम कब से इनके साथ है जानता है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? वो हमारे भैया हैं। 40 लाख रुपए। भाई भाई आपने इसे सामने क्यों बिठा रखा है, एक बार आप बोलो तो। 50 लाख रुपए। ये क्या बढ़ाई जा रहे हो? 60 लाख आगे बोल। मारो साले को। आप शांत रहो ना, भाई कुछ बोल रहे हैं ना। 70 लाख रुपए। क्या कर रहा है भाई? भाई मैं गेट पे जाके देखूं, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए? ए हटना, हट। हाँ तो 80 लाख में लॉक किया जाए। इन तीनों को ठोक देंगे। पता चल गया ना पैसे और वफादारी के बीच का फर्क। भैया सामान। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, हो सके तो मुझे मारकर अपने आप को बचा लो।